यूपी के सोनभद्र जिले में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप था कि उनके साथ सत्रीय परीक्षा में अंक देने में भेदभाव किया गया है। उन्होंने कॉलेज में लैब सुविधा ना होने और अध्यापकों द्वारा दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। छात्रों के प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को शांत करवाया। प्रिंसिपल ने छात्रों को उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया है। छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। छात्र छात्राओं का आरोप था कि कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्र छात्राओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विद्यालय द्वारा सेशनल नंबर में देने में भी अनियमितता बरती जा रही है। यही नहीं, विद्यालय के कुछ शिक्षकों द्वारा उनके साथ आए दिन दुर्व्यवहार भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे तक कक्षाएं चलाने जाने से उन्हें काफी दिक्कत होती है, खासकर छात्राओं को देरी होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद प्राचार्य ने छात्र छात्राओं के मामले की जांच कराकर कार्यवाही का आश्वासन दिया है, तब जाकर छात्र शांत हुए। सोनभद्र से संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट। मामला बेसिकली इनकी सेशनल संबंधी समस्याएं थी कि सेशनल अभी कुछ उसमें प्रॉब्लम है। आरोप ये लगा रहे हैं कि नंबर देने में भेदभाव किया था, कुछ जो चुनिंदा बच्चे हैं उनको अधिक दिया था, हाँ तो एक्चुअली में वाले बच्चों को कम दिया गया, ऐसा क्या? अब मैं आज ही आया हूँ, एक्चुअली गेम में चला गया था जो वहाँ पे आजमगढ़, तो आज आया तो उसको मैं देखता हूँ, जो अगर दोषी होगा तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की दुर्व्यवस्था बताते हैं, पानी नहीं है या लोग अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं, वैसा ले या इस तरह गलत संबोधन करते हैं। हाँ, लड़कों ने बताया है ना, अगर इस तरह की बातें तो दूर कर ली जाएंगी, उसमें लड़कों से बात हो गई है मेरी उसमें, ठीक है। क्या कार्रवाई करेंगे आप उनके अगेंस्ट? कार्रवाई लिखित कार्रवाई की जाएगी उनके अगेंस्ट। सर इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर का है सर, समस्या ये है कि सर यहाँ पे बहुत ज्यादा भेदभाव हो गया, मतलब कि सर एकदम समझ लिए हैं कि मतलब लड़के सर एकदम गुलाम हो गए हैं, अच्छे तरीके से सर कोई बात भी नहीं करता है, पूरे बच्चे सर बोलते हैं सर अबे साले कुत्ते ऐसे करके बात होता है सर, हम लोग सर गुलाम नहीं है सर किसी के, नंबर हम लोग सर जातिवाद हुआ पूरा सर, जितने भी हॉस्टल के लड़के हैं सबको सब सर 60% मिनिमम मार्क देना होता है सर, 55% दिया गया है सेशनल में। हाँ सर, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर, सर अधिकतर अगर देखेंगे सर 205 नंबर 206 नंबर ऐसा स्टूडेंट को दिया गया है जिसकी उपस्थिति क्लास में 40% से भी कम है सर। और सर लैंग्वेज प्रॉब्लम सर, हम हाँ सर, और ऐसे सर से जब पूछा गया तो सर बोल रहे हैं कि आपसे अच्छा व्यवहार जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनका है। और सर लैंग्वेज हम लोग सर क्या मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब सर क्या मजाक चल रहा है सर, हम लोग क्या समस्या है, क्या समस्या सर? समस्या यहाँ बहुत ज्यादा हो गई है सर, जातिवाद चलने लगा है सर। पहली बात, जो प्रैक्टिकल जो काले जा रहे हैं बच्चे उन लोगों को सेशनल प्रैक्टिकल नंबर नहीं मिला है, जो नहीं आ रहे हैं जिनका 50% भी उपस्थिति है सर, रिश्तेदारों को नंबर दे दिए ज्यादा ज्यादा नंबर 90% सर। बताइए बच्चे ये 50-60% ले किस जो है कंपनी में जाएंगे सर? सर प्रैक्टिकल में जो टॉपर बच्चे JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।